दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी आपको 825G प्रोसेसर आपको मिलने वाला था Redmi 10X में। तो आज मैं आपको कंपेयर करने वाला हूँ 825G को स्नैपड्रैगन के 765G के साथ में। इनका कंपैरिजन क्यों बनता है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसर ही हमारे ऐसे प्रोसेसर हैं जो आपको थोड़े से अपर मिड रेंज में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देंगे और साथ में आपको 5G कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर लाजमी है और हम इन दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन करने वाले हैं और आने वाले टाइम में एक या दो महीने में इन दोनों प्रोसेसर के ऊपर आपको बहुत सारे मोबाइल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि 5G का जमाना आने वाला है और 2020 तो वैसे ही 5G का ईयर हो रहा है। हल्के हल्के जितने भी मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं सब के सब 5G पर ही लॉन्च हो रहे हैं। इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टेक वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टेक वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लॉन्च डेट की। जो लॉन्च डेट भी बहुत बड़ा फर्क डालती है एक प्रोसेसर के परफॉर्मेंस पे। अगर हम स्नैपड्रैगन 765G की बात करें तो वो 19 जून सन 2019 को लॉन्च हुआ था, लगभग अब से एक साल पहले। अगर हम इसकी बात करें 825G की, तो ये जो हमारा प्रोसेसर है ये अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में, लगभग 3-4 दिन पहले। डेट थी 18 मई 2020। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा 820 है थोड़ा लेटेस्ट है। यहाँ पर आपको थोड़े से बेटर स्पेसिफिकेशंस और बेटर इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि थोड़ी सी टाइम के साथ में, और एक साल का टाइम बहुत होता है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो हमारी जो भी क्वालिटी होती है और टेक्नोलॉजी होती है वो बेटर ही होती रहती है। अब इनके अगर हम बात करें फैब्रिकेशन प्रोसेस की, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है मिनीटेक ने इस बार, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ अपने हर वीडियो में कि ये फैब्रिकेशन प्रोसेस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, 12 नैनोमीटर से नीचे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने 7 नैनोमीटर पर इस पूरे प्रोसेसर को फैब्रिकेट किया है और ये इन्होंने जो टेक्नोलॉजी है वो है TSMC। और जो हमारा स्नैपड्रैगन 765G है वो सैमसंग की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है, वो भी 7 नैनोमीटर पर ही बेस्ड है। तो दोनों ही प्रोसेसर हमारे पावर एफिशिएंट होने वाले हैं, कमाल की परफॉर्मेंस, और साथ में आपको बैटरी भी सेव करके देने वाले हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं कोर्स की। कोर्स पर ही हमारे पूरे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस डिपेंड होती है। एक तरह से हमारे प्रोसेसर के हाथ होते हैं जो आपको मल्टीटास्किंग में हेल्प करते हैं। 820 की बात करें तो वहां पर आपको 4+4 का कॉम्बिनेशन मिला है, यानी कि डुअल क्लस्टर मिला है, और यहाँ पर आपको 4 कोर्स हैं वो मिलती हैं A76 की, ARM Cortex A76 की जो 2.6 GHz तक क्लॉक हैं, और बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो मिलती हैं आपको Cortex A55 की जो कि क्लॉक्ड हैं 2 GHz पर। तो परफॉर्मेंस बहुत गजब की होने वाली है। A76 काफ़ी दमदार कोर्स हैं और हम इनका परफॉर्मेंस देख चुके हैं, खास करके स्नैपड्रैगन 675, स्नैपड्रैगन 730G, इन सब में आपको Cortex A76 की जो कोर्स हैं वही देखने के लिए मिलती हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765G की। तो यहाँ पर आपको ट्राई क्लस्टर मिला है, यानी कि 3 कॉम्बिनेशन मिले हैं 1+1+6। तो जो हमारी एक कोर है वो है क्रायो 475 प्राइम। अब प्राइम क्या है और 475 क्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्रायो 475 प्राइम जो है वो कॉर्टेक्स A76 बेस्ड ही है, वो प्राइम कोर है, उसका नाम भी दिया हुआ है स्नैपड्रैगन ने क्रायो 475 प्राइम। ये एक हाई एंड परफॉर्मेंस कोर है, मतलब कि जो ज़्यादा खतरनाक काम होते हैं एक तरह से, आप ये मान लीजिए जो ज़्यादा ही जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है, CPU को मेहनत पड़ती है, उसी काम को ये कोर्स करेगी। और यहाँ पर जो क्लॉक हो सकती है वो 2.4 GHz तक क्लॉक हो सकती है और ये नॉर्मली बेस्ड है A76 पर। क्रायो क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, क्लॉक स्पीड क्या होती है, इन सब के बारे में हमारी सेपरेट वीडियोज़ हैं, आप ऊपर आई बटन में चेक करिएगा, आपको सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी, आप देखिएगा और आराम से उनको एंजॉय कीजिए, आपको नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। अब हम जहाँ बात करते हैं दूसरी कोर की, वो भी एक ही कोर है, वो आपकी जो है वो क्रायो 475 गोल्ड कोर है, जो कि नॉर्मली बेस है A76 पर ही और ये 2.2 GHz तक क्लॉक है। और जो बाकी के 6 कोर्स हैं वो क्रायो 475 सिल्वर की हैं, जो नॉर्मली बेस हैं कॉर्टेक्स A55 पर और एक क्लॉक हो सकती हैं 1.8 GHz तक। तो CPU अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर 2 CPU हैं स्नैपड्रैगन 765G में जो आपके हाई एंड हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं वहाँ पर आपको 4 कोर्स यूज हुई है A76 की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर CPU कंपैरिजन में और परफॉर्मेंस में आपको A20 थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 4 कोर्स हैं हाई एंड कोर्स और यहाँ पर 2 कोर्स आपको हाई एंड मिलती हैं। चलिए बात कर लेते हैं GPU की।
अगर हम जीपीयू की बात करें तो यहाँ पर आपको आर्म का माले G57 जीपीयू देखने को मिलता है विद 5 कोर्स, यहाँ आपको 5 कोर्स मिलती हैं उसकी, यहाँ पर मीडियाटेक की डायमेंसिटी 820 में। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765 की, वहाँ पर आपको एड्रिनो 620 देखने के लिए मिलता है। दोनों ही जीपीयू हमारे काफी बेटर हैं, लेकिन अगर दोनों में से बेस्ट चूज करें तो यहाँ पर 765G थोड़ा सा पीछे रह जाता है और जो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820 है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम कैमरा डिपार्टमेंट की। यहाँ पर 80 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है और 32+16 का डुअल कैमरे को सपोर्ट कर सकता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820। अगर हम स्नैपड्रैगन 765G की बात करें तो सेम है हमारा स्नैपड्रैगन 730G की तरह ही 192 मेगापिक्सल का स्नैपशॉट लेगा, 48 मेगापिक्सल के कैमरे को MFNR ZSL दोनों करेगा और 36 मेगापिक्सल को MFNR और ZSL करेगा। हाँ, 48 को ZSL नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ MFNR करेगा, लेकिन 36 को MFNR और ZSL दोनों कर पाएगा और 22+22 डुअल कैमरे को यहाँ पर सपोर्ट करता है। अगर हम वीडियो की बात करें तो दोनों ही आपके 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले सपोर्ट में फर्क आ जाता है। फुल HD+ डिस्प्ले को सपोर्ट करता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820, लेकिन यहाँ पर 765G आपका QHD डिस्प्ले को सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्ले के मामले में आपका स्नैपड्रैगन 765G बेटर है। अब बात करते हैं रैम सपोर्ट की। दोनों ही प्रोसेसर हमारे LPDDR4X रैम को सपोर्ट कर सकते हैं, UFS 2.1 स्टोरेज दोनों ही हमारे प्रोसेसर सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही रीड एंड राइट स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेंगे और आपको थोड़ा सा फ़ोन इन प्रोसेसर में जो आएगा वो चलाने में स्मूथ एंड फास्ट लगेगा। तो ये हमारे मेन डिफरेंस थे, लगभग सारे हो चुके हैं। अगर हम बात करें नेविक इनेबल्ड की, जी हाँ, नेविक इंडिया का अपना GPS सिस्टम है, उसको हमने एक्सप्लेन करके समझाया है पूरे डिटेल से, आप उसको भी आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस वो जो हमारा 765G में इनेबल्ड है, लेकिन आपको ये सुविधा जो हमारा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820 है वहाँ पर नहीं मिलती है। अब हम इनके फाइनली बात कर लेते हैं अंतुतु स्कोर की। तो मैंने आपको बता दिया गेमिंग में भी आपका 820 बेटर है और साथ में जो परफॉर्मेंस है CPU कोर्स हैं उनमें भी आपका 820 बेटर है। तो जाहिर सी बात है कि अंतुतु स्कोर भी आपके 820 के ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर 415,000 तक आपका 820 का अंतुतु स्कोर जा चुका है। और वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन 765G की, तो वहाँ पर उसका जो अंतुतु स्कोर है वो 322,000 पहुँचा है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो 820 बहुत अच्छा प्रोसेसर है और मीडियाटेक ने इस प्रोसेसर पर काफ़ी वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, इसलिए ये रिजल्ट उनके सामने आया है। अब देखना यह है कि ये जब डिवाइस पर आएगा तो जो मीडियाटेक के प्रोसेसर्स होते हैं लाइक हीटिंग इश्यूज और मतलब कुछ दिनों के बाद हैंग करना शुरू कर देते हैं, क्या वो सब कुछ इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा या फिर ये भी स्नैपड्रैगन की तरह स्मूथ और फास्ट वर्क करने वाला है लंबे समय तक, ये तो आपको बाद में ही पता लगेगा सब कुछ यूज करने के बाद। लेकिन फिलहाल ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वाइज तो यहाँ पर 820 विनर निकल करके आ जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।